नमस्कार, कावेंद्र चौहान हूं मैं। इस वीडियो में बात कुछ प्रोपेगेंडाबाज पत्रकारों की, उन पत्रकारों की बिगड़ती हुई हालत की। बस रोटी में घी ज्यादा लगा मिल जाए, इसको लेकर किस कदर ये पत्रकार जनता को भ्रमित करते हैं, आज बात उस पर करेंगे। दरअसल पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और ये पत्रकार उसी बहाने अपना प्रोपेगेंडा साधने में लगे हैं और ये विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है, तो मुझे लगा इस पर बात करना भी जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जाने माने प्रोपेगेंडा जीवी पत्रकार अजीत अंजुम की हालत किस तरह बिगड़ चुकी है और इस बिगड़ती हालत के चलते वो जनता का किस कदर नुकसान कर रहे हैं। अजीत अंजुम एक जमाने में अच्छे पत्रकार थे, टीवी पर कार्यक्रम करते थे, कई जगहों में टिक ना पाने की कला के कारण आज खुद का यूट्यूब चैनल है जहां से ज्ञान गंगा बहाते हैं, खबरें दिखाने बताने के बहाने अपने मन की भड़ास निकालते हैं। क्या गुस्सा है राम जाने, लेकिन उनकी व्यक्तिगत कुंठा जनता का किस कदर नुकसान कर रही है आज मैं आपको यह समझाऊंगा। भोली भाली जनता जो आज भी उनकी बातों पर भरोसा कर लेती है, खैर जनता तो वही है जो उस बात पर भी विश्वास कर लेती थी जब अजीत अंजुम जी एक चैनल के संपादक थे और कार्यक्रम चलवाते थे कि क्या एलियन गायों को उठा ले जाते हैं। चलिए अब जब माहौल बन चुका है तो अब अजीत अंजुम जी के बारे में एक लाइन के साथ शुरुआत करूंगा कि लाशों को देखकर तो गिद्ध मंडराते ही हैं और अब तो ऐसे गिद्धों की संख्या बेहिसाब बढ़ चुकी है। मतलब मोदी योगी के खिलाफ बिना किसी ठोस सोर्स के, बिना किसी तर्क के कुतर्क पर कुतर्क करना, सिर्फ 3-स्टार होटल में डिनर का इंतजाम करने के लिए ये लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अब अजीत अंजुम जी ने खुद को गिद्धों का सरदार बनाने के लिए प्रोपेगेंडा के नए कीर्तिमान रचे हैं। तो अजीत जी ने अपने एक वीडियो में खुद ही यह घोषणा कर दी कि यूपी में माहौल बहुत खराब हो चुका है, यूपी की जनता त्राही त्राही कर रही है, यूपी में कोरोना विश्व रिकॉर्ड बना रहा है, हर जगह लाशों का ढेर है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं हमारे अंजुम जी। कोरोना से मौतें हुई हैं और बहुत हुई हैं, पूरी दुनिया इस वायरस से लड़ रही है, यह एपिडेमिक नहीं पैंडेमिक है, इससे लड़ना है, जागरूकता फैलानी है, लेकिन नहीं, अंजुम जी के लिए तो बस प्रोपेगेंडा सलामत रहे, बस वर्चस्व बना रहे। ये थंबनेल देखिए, उन्हीं के चैनल के हैं जो आपको बाजू में दिख रहे होंगे। देखकर कहीं से लगता है कोई पत्रकार ऐसा कर सकता है, ऐसा लगता है कि कोई विपक्ष का प्लांटेड प्रोफेशनल व्यक्ति है। तो दरअसल असली सच ये है, पूरी घटना पर आता हूं, असली सच ये है कि अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्यों में चुनाव से पहले ही बीजेपी एक्टिव मोड पर आ जाती है, सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ऐसे में यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन किया जा रहा है बीजेपी, जैसा कि हर जगह करती है। यह मंथन बड़े स्तर पर किया गया क्योंकि इसमें बीजेपी के साथ साथ संघ के नेता भी शामिल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और राज्य के संगठन मंत्री सुनील बंसल सहित सारे दिग्गज शामिल रहे। बस इसी मंथन को कुछ पत्रकारों ने खुद ही अंजाम पर पहुंचा दिया। कुछ ने कहा बड़ा बदलाव होने वाला है, तो कुछ ने फर्जी खबरें चला दी। खैर बात यह है कि चुनावों से पहले बीजेपी राज्य की नब्ज टटोलने लगती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर संघ के लोग भी इस काम में जुट जाते हैं और ऐसा ही यहां भी हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम इसलिए आया क्योंकि उनको पिछड़ा वोट बैंक को साधने का जिम्मा दिया जा सकता है। यह पिछड़ा वोट बैंक लगभग 50% है, जिसमें कि 7% यादव है, बाकी सब गैर यादव, और यह वोट बैंक किसी एक पार्टी का खास नहीं है। तो ऐसे में सभी की नजर इसी वोट बैंक पर रहती है, तो जातीय समीकरण को साधने के लिए मंथन और चर्चा का दौर रहा है। खैर अभी कोई फेरबदल नहीं होने वाला है, फेरबदल की अटकलों को संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने विराम दे दिया है। वो लखनऊ में अपने 2 दिन के दौरे के बाद वापस दिल्ली आ गए हैं और फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सब प्रोपेगेंडा जीवियों का प्रोपेगेंडा है, लेकिन समझिए पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के लिए जी जान से लग जाते हैं, जैसा कि हमने पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी देखा है। तो ऐसे में कुछ प्रोपेगेंडा जीवी इसको किस तरह से नई शक्ल दे देते हैं आप ये देखिए। और चुनावों से ऐन वक्त पहले मुख्यमंत्री का बदलना या उससे जुड़ी खबरें बताना या किसी बड़े नेता का दल बदलना अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के साथ उसी तरह का व्यवहार है जैसे कि परीक्षा के ऐन वक्त
पहले किसी शिक्षक का बदल जाना और छोड़ जाना अपने लोगों को असमंजस के तालाब में। खैर, अजीत अंजुम जी का यही करके अगर व्यवसाय चल रहा है तो भगवान उनका खूब भला करे। सत्य परेशान करता है, झूठ मक्खन मलाई देता है। धन्यवाद।